गुरु जी की साजी नवाजी, गुरु रहो, गुरु प्यारी साध संग जीओ, प्रवान करो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरमुखा पासों अमृतमय कीर्तन बड़े प्यार सरवण कर रहे से, जिस विच भगत रविदास जी जदों मालक दे सन्मुख होए ते प्यार दे नाल उन्हां दे नाल बचन कर रहे ने, ते कितना प्यार है आंदे तेरे ते मेरे दे विच, हुण कोई फर्क नहीं रह गया। उस अवस्था दे विच प्रवेश हो गए जदों माता दे उदर विच मन दी निरंकार परमात्मा दे नाल लिव जुड़ी हुंदी है, ते उस वक्त एक धुनी प्रगट हो रही है जिसनों सो हंग दा नाम दिंदे ने। सो जो तू है, हम ओही मैं हाँ, तेरे ते मेरे विच कोई अंतर नहीं है, मैं तेरा ही स्वरूप हाँ, उथे एक रूप हुंदा है। जदों एक रूप हुंदा है ते ये धुनी उचारण हुंदी है सो हम। इस अवस्था दे विच असीं प्रवेश करना है सारे ने। सो हंग जागो है जाप, जदों संसार में आउंदा है मन लिव टुट जांदी है, दूर हो जाता है अपने मूल नालों, गुरु की शरण में आउंदा है, गुरु कृपा करता है, मन जागद अवस्था में आउंदा सन्मुख हुंदा है, ते जदों सन्मुख होया सारा खेल भेद लगा, ते किन्ने प्यार नाल बचन कर रहे ने, आंदे ने तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हुण तेरे ते मेरे दे विच की फर्क है, जिस तरह सोना है ते सोने का बनिया होया जिहड़ा गहना है एक ही रूप है, पानी दे विच तरंग है उहदे विच समा रही है एक ही रूप है, ते सन्मुख हो के किन्ने प्यार दे नाल बचन करदे ने, जदों पछाण लिया देख लिया आंदे तू अपने आप दे विच वड्डा बनिया फिरदा है, अपने आप दे विच बड़ा नायक है, अच्छा है, पर मेरे तो बगैर तेरा वजूद नहीं, ते तेरे तो बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम जो नायक आशो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जे जन ते स्वामी। भगत दा करके ही लोग परमात्मा नूं जानदे ने, जे भगत मिलाप नहीं करदा उहदी उस्तत नहीं करदा ते जीव नूं निर्गुण स्वरूप दा भेद नहीं आउंदा, ते खुश होकर कहिंदे ने प्रभ ते जन जानी जे जन ते स्वामी। तेरा करके मेरी होंद है ते मेरा करके ही तेनू लोग जानते ने, किन्ना प्यार है। ते प्यार दे विच किहो जिहे बचन करदे ने, आंदे ने जे मेरे कोल कोई गलती ना होंदी, जाओ ना अहे पाप करंता रहे अनंता, ते तैनू फिर पते पावन कौन कहिंदा, तैनू पापां नूं हरन वाला कौन कहिंदा, तेरा नाम ये क्यों पैंदा, पतन पावन नाम तो कैसे होंदा। हुण किन्ना प्यार है, जिन्हां ने उहदे नाल प्यार पाया, किसे ने प्यार दे विच उहनूं सज्जन किया,
मित्र क्या यार क्या प्यार दे वेचे भगतां नूं ठग भी कह दिता। फिर बड़ा वड्डा ठग है जिसने इस तरीके माया ठकौरी लाई हुई है। तो किसी नूं इत्थे ठग कह के देखो तो पातशाह ने उन्हों का वचन भी स्वीकार किया। तो बाणी विच दर्ज है हर ठग जागो ठगौरी लाई हार के ब्योग कैसे जू मेरी माए। ये प्यार का खेल है। प्यार उन्होंने इन्ना पालिया तो एक रूप हो गए। इस वास्ते कोशिश करनी है और प्यार पाने वास्ते इन्हें जिथे प्यार पाया होया है इधर तोड़ना पैंदा है। ये वचन उन्होंने ता कहे ने साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरे। उन्होंने प्रवाह नहीं किए। उन्होंने इस संसार विचरण वाले उस वक्त के भावें राजे से उस वक्त भावें विरोध कर रहे थे पर उन्होंने प्रवाह नहीं किए। उन्होंने मालक की निरंकार की उस्तत की है उहदे नाल प्यार पाया है। तो प्यार किवें पैंदा है ना तू आवे बस धरती ताईए ना तू आवे बस तीर्थ लाई बाहर मुखी क्रियावां दे नाल बस नहीं आउंदा प्यार दे नाल बस आउंदा है। तू भगतां के बस भगतां तां तेरा। तो जिहड़ा भगत है उहदी चाल निराली है। भगतां की चाल निराली चाल निराली भगतां केरी बेखमा मार्ग चलना। लभ लोभ हंकार ताज तृष्णा बहुता ना ही बोलना। हुण भगती मार्ग ते आपां चलना है। अपना रस्ता है लिवदा रस्ता है। आपां उहदे नाल प्यार पाउण वास्ते जा रहे हां ते उहदे नाल प्यार दे रस्ते विच जदों चलना इस माया नालों इस संसार दे विचारां नालों प्रीत जिहड़ी है उह टुटणी है। आओ सारे जने कोशिश करिए फिर आपां कल तों जिथे उथों शुरू करांगे कि मन जदों जागदा है की निशानी है। क्योंकि जिन्ना अपने को समा होंदा है ये पौने घंटे दे सारा सब्जेक्ट नहीं क्लीयर होंदा। ये विषय ब्रह्म विद्या का जिहड़ा है सहज का है। ये लगातार हौली हौली पेद आएगा और नाल नाल आपां कल का विषय शुरू करांगे नाल अपने मन नूं उस अवस्था विच लैके आईए। बेनती है जिन्ना चिर भी सिमरन करना है सभना ने कोशिश करनी है ये जगाउण वास्ते मन नूं करना है सिमर 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 गुरु अपना सोया मन जगाई। इधर उधर नहीं देखना सिर्फ अंतर ध्यान आने का यतन करना है। श्वास अंतर जा रहा है वाहे उच्चारण करना गगन वा रहा है तो गुरु कहना है। आओ कोशिश करिए शब्द द्वारा इन्हों जगाउण का यतन करिए। आओ सारे प्यार नाल करो कृपा वाह गुरु 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 वाह गुरु।
वाहगुरु 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 गुरु वाहगुरु 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 वाहगुरु
वाह गुरु 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 जिहड़ा मन है जदों शब्द दे नाल ये जो आपां बोल रहे हैं धुन है आवाज है इस आवाज दे विच लीन हुंदा जाएगा इहदे जिहड़े विचार ने फुरने ने माया वाले ये रुकदे जाणगे ते जिवें जिवें विचारां नूं छड्डदा गया ध्यान सुन दे विच अंतरगत टिकणा शुरू हो जाता है। जब मन पौन नूं छड़दा है विचार रुकदे ने ते अंदर धुन पैदा होनी शुरू हो जाती है। सुन विचों जदों शब्द सुनाई दिंदा है अनहद धुन सुनाई दिंदी है
उस धुन सुन के मन जागता है। पातशाह कहिंदे ने धुन उपजे शब्द जगाया। हुण जदों मन जागेगा यह शरीर सौंदा जाएगा, उल्ट खेल है। इत्थे थोड़ा जिहा चक्कर पैंदा है, बहुते जीवन नूं पता नहीं, भेद नहीं। वो ज़्यादातर शरीर नूं जगाउण की कोशिश करते हैं कि शरीर नूं जगाया जाए, शरीर नूं जगा के भगती की जाए। लेकिन जदों आपां पातशाह की शरण में आते हाँ, वो मन नूं जगाउंदा दस दिंदा। ते मन कदों जागदा है, जदों ध्यान इस माया नालों उल्ट होना शुरू हो जाता है। कदों जागदा है, बीज मंत्र ले हिरदे रहे, मनुआ उल्ट सुन में गहे, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस कर रखे। जिहड़ा आपां कल विचार कर रहे सी वी इह ज्ञान इंद्रियां सुत्तियां होईयां ने मन दीआं, मन दा जिहड़ा ध्यान है इस माया दे घर विच लगा होया है। जदों इत्थों मन उलटना शुरू हो गया ते बीज मंत्र ते चला गया। हुण बीज मंत्र है सारिआं दे अंदर है अपने। पातशाह वचन करदे ने बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, लेकिन उस बीज मंत्र ते कोई विरला विरला पहुंचता है। चौं वर्णा ने जपे को नाम, बीज मंत्र है जिसनों निज पद कहिंदे ने, जिसनों हर तत् कहिंदे ने। जदों मन हर तत् ते जाके निज पद उपर बैठता है, निज पद उपर बैठ के जो उत्थे अनहद शब्द चल रहा है, अनहद जिहड़ा शब्द है उसनूं सुनना शुरू कर दिंदा है, उहनूं हर कीर्तन कहिंदे ने। उत्थे हरी कीर्तन कर रहा है, हर कीर्तन, वह कीर्तन नूं उस अनहद बाणी नूं सुनदा सुनदा जिहड़ा मन है वह जागदा है। जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना। जदों मन उस शब्द नूं सुनदा है उहनूं बीज मंत्र कहिंदे ने। उत्थे फिर जदों उस अनहद बाणी नूं सुनदा ते जागत अवस्था दे विच आउंदा है। इस करके पातशाह बाणी च समझाउंदे ने, बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ, आगे मिली नथावे थाओ, गुरपुरे के चरनी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग। जदों मन बीज मंत्र उपर ध्यान रखता है, शब्द तेज हुंदा है, वह शब्द नूं सुनदिआं सुनदिआं मन जागत अवस्था दे विच आउंदा है, यह शरीर सौं जाता है। उधरों जदों शब्द तेज होएगा, एक घराड़े की आवाज भी तुहानूं सुनाई देगी कदे कदे। ऐसा मन जदों एक शरीर का घराड़ा वजेगा, मन पौन नूं छड़ देगा। पौन जदों छड्डिया ते बीज मंत्र ते शब्द तेज हो गया, जदों शब्द तेज हो गया ते मन जागत अवस्था विच आ गया। हुण जदों मन जागता है फिर उसनूं भेद खुलदा है कि जिस घर विच मैं वस रहा सी इह घर तां मेरा है ही नहीं है, इह तां दूसरे दा घर है, ते मेरा ते घर असली घर आ है जिथे हुण मैं बैठा होया हाँ। ते गुरमुख कित्थे बैठदे ने, जिसां भगत कबीर जी दसदे असीं कित्थे बैठे हां, पांदे हज हमारी गोमती तीर, जहां वसे पैगंबर पीर, वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन भावता है। जिथे अनहद शब्द चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, मन जदों उसनूं सुन लग पिया जागत अवस्था विच आ गया। ते जदों मन जागया भरम दा गठ टुट गया। केड़ा भरम सी, इह शरीर मेरा है, आ मेरा घर है, आ सुपना जिहड़ा देख रहा सी, सुपना टुट गया, जाग पिया। ते जदों जागया पता लगा भी इह तां मेरा घर है ही नहीं है, ते इहदे विच जिहड़ा भरम बणिया होया सी
ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਵਤ ਸੁਣ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆਮ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਅਤੇ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਬੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਿੰਸੇ ਸੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਾਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿੰਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਤੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਡੱਡਾ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰ, ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਝ ਲਓ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਾਉਣ, ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਮੂਹਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੋਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਨਾ ਮੂਹਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ
मन बच्चे नूं जो समझाउंदा है वो बाणी विच बचन दर्ज ने। ते समझाउण लगे भी हुण तुसीं जदों जाणा ध्यान रखना है, जाणा ते तुहानूं पएगा जिन्ना चिर खेल है, ते जदों तुसीं जाओगे ध्यान रखिया जे ते उह की कहण लगे, पांदे गुर सतगुरु का जो सिख अखाए। सिख इत्थे मन नूं कहा है, मन ने जदों सतगुरु दे सन्मुख होया शब्द गुरु दे राहीं ते उसनूं सिख्या देण लगे, समझाउण लगे, आंदे हुण किस तरह विचरना है, आपां किवें विचरना है। गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्याए। आंदे हुण जदों तुसीं घरों सवेरे जाणा है ते उत्थे जदों जाणा गाफल नहीं होना, सौना नहीं, उस वास्ते की करना है, नींद कदों आउंदी है तुहानूं, जदों तुहानूं महामोहनी लग जाती है। तो महामोहनी कौन लाउंदे ने, दूत लाउंदे ने, तुहाडा ध्यान बदल दिंदे ने, तुसीं इस माया वल देखना शुरू कर दिंदे हो जदों जाते हो, तो पिछों महामोहनी आउंदी है तो तुहानूं ऐसा सुणा दिंदी है, तुसीं त्रै गुणा च सौं जाते हो, ते तुहाडी अवस्था बन जाती है श्याम सुंदर, तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूतां लाई। ये जिहड़ी नींद है इहनू महामोहनी कहिंदे ने। यह महामोहनी कदों लगती है, जदों ध्यान इधर माया वाले पासे हो गया ते पिछों हौली हौली नींद आ जाती है, मन फिर त्रै गुणा सौ जाता। हुण किवें विचरना है, कहिंदे जदों तुसीं सवेरे प्रवेश आउणा ते सचेत रहना है, तुहाडा ध्यान जिहड़ा है वह माया वाले पासे ना चला जाए। जदों तुसीं जाके कपड़ा पहनना है माया दा, ते अपना ध्यान जिहड़ा है मुख द्वार विच रखना है। ते समझाउण लगे ने, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्याए। जदों तुहानूं प्रभाते शरीर विच तुसीं आउंदे हो, प्रवेश करदे हो, उस वक्त एकदम अखां नहीं खुलणियां, एकदम नहीं नेत्र खुलने। तो जदों तुसीं इत्थे तल ते आ गए, पौण दे नेत्र बंद रखने ने और नाल अभ्यास शुरू कर देना है सुरती द्वारा। जिवें जिवें सुरती द्वारा अभ्यास करोगे, हौली हौली ये पौण सम रहेगी ते फिर नेत्र जिहड़े ने हौली हौली खुलने ने, एकदम नहीं नेत्र खुलने। किन्ना भी जरूरी काम होवे की करना है, अपने नेत्र हौली हौली खोल लेने, ते नेत्र खोल के ध्यान जिहड़ा है वह समदृष्ट रखना, सामने रखना है। की होएगा, तुसी ऐसे शरीर विच प्रवेश हो गए लेकिन तुहाडा ध्यान कित्थे चला गया, वो मुख द्वार विच चला गया, क्योंकि बेनती की मालक नूं भी अगे अगे जो असी जाते सी प्यार टुट जाता, तुहाडे नालों भुल जाते हैं, तो हुण कृपा करो भी उत्थे जाके भी तुहानूं ना भुलिए। तो पुछिया गुरमुखां ने, कहिंदे मोहों के बोलन बोलिए जिस सुण धरे प्यार, भी की करिए उत्थे जाके फिर तुहाडे नाल प्यार बणिया रहे। उन्हां कहा अमृत वेला सच नाउ, वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख पार। कपड़ा है आ शरीर, जदों कपड़ा आण के पहने ते नेत्र दृष्टि जिहड़ी है वह मुख द्वार विच रखनी है। ते जदों तुसीं ये कपड़ा पहने ते ध्यान रखिया मुख द्वार विच, तुहाडे ने नानक साहब इवें जाणीए सब आपे सचियार, कहिंदे फिर मैं आपे सारा कुछ देखांगा, तुहानूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं। हुण गुरमुख जदों सवेरे आए उन्हां दी की निशानी है, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्याए। आ गए ते जदों आ गए फिर उन्होंने हौली हौली विचरना शुरू करना है। अभ्यास करदे करदे जदों ध्यान सन्मुख है, नाम तेज हो जाएगा, शब्द तेज हो जाएगा। जदों शब्द तेज हो गया ते शब्द दे नाल सुरत जुड़ गई, उन्हों अमृतसर तीर्थ कहिंदे ने। ते पातशाह कहिंदे उदम करे पल के प्रभाते,
इशनान करे अमृतसर नावे। कोई समय सुन विच शब्द नूं सुनदे रहे, हौली हौली नेत्र खोले, मुख द्वार विच आ गए, मैल नहीं लगेगी। अवदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दुख लह जावे। हुण उथों फिर मन ने आ जाणा है ऐसा इलाके विच, तदे जदों इधर आ गए फिर हुण तुसीं विचरना है। एक काल दा अखाड़ा है जिथे हुण अपना युद्ध हुंदा है, सारा दिन विचरदे हां। ते जदों पहलवान अखाड़े दे विच जांदा है ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਖੇਲ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਸੌ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ 'ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਵਾਬ ਜਾਪੇ ਔਰ ਨਾਮ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੇਲਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਮੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਅਤੇ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਥਲੇ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ,
ते फिर आलस नहीं, फिर ये ड्यूटी ते लाई रखना है ते शब्द नूं सुनदे रहना है। आओ दो मिनट करो कृपा। वाहगुरु 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 देना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।